अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान जी, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर डीसीई एंड आईजीसीसी फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। एक आज ऐसे नेचुरल फैक्ट की बात करेंगे जो हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग अंडरगोज दैट एक्सपीरियंस, दैट अल्टीमेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, व्हिच इज डेथ। तो डेथ के बारे में जो इंग्लिश के फर्स्ट एसेस थे, फ्रांसिस बेकन, इंग्लिश के सबसे पहले जिन्होंने एसेज लिखने शुरू किए, वो वन पैराग्राफ का एसे लिखते थे उस वक्त, तो फ्रांसिस बेकन की ऑन डेथ जो उनका एसे है उसमें उन्होंने लिखा था, डेथ इज एज नेचुरल एज बर्थ, डेथ इज एज नेचुरल एज बर्थ, कि जिस तरह बर्थ जो होती है वो आउट ऑफ नोवेयर होती है, सो इसी तरह डेथ इज एन एक्सपीरियंस विच इज आउट ऑफ नोवेयर फ्रॉम हेयर टू इटर्निटी। तो पहला idiom हमारा, idiomatic expression death से related, is to give up the ghost, to give up the ghost, ghost GHOST, जो spirit, human spirit होती है, जो रूह होती है। तो ये biblical expression है और ये informal है। क्या है? To give up the ghost। Second है आज का हमारे पास death से related जो idiomatic expression है वो है to go to the way of all flesh, to go to the way of all flesh, और ये भी biblical है। So to go to the way of all flesh, that's related to die। उसके बाद third है हमारे पास, वो है to pass away, to pass away। और इसके बारे में एक बड़ी, actually एक school में एक incident हुआ, जहाँ पे एक teacher ने English teacher से पूछा कि जी वो principal साहब कहाँ पे हैं, where is the principal? तो English teacher ने फरमाया उन्हें कि जी the principal just passed away, कि यहाँ से गुजरे हैं। तो वो गुजरे हैं इज नॉट पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब है अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद प्रिंसिपल ने उनके साथ अच्छा जो था वो एक डिस्कशन की बैठ के कि आपने मुझे पास अवे कर दिया, इंग्लिश टीचर ने, सो इट्स नॉट पास अवे, वो होता है पास्ड बाय, ठीक है, पास्ड अवे का मतलब टू डाई। और चौथा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है आज का जो कि डेथ से रिलेटेड है वो है टू किक द बकेट, ये भी इनफॉर्मल है। और ये वो स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो कि कार्टून्स बड़े शौक से देखते हैं, उसमें उन्होंने देखा होगा कि लूनी टून्स में जो बग्स बनी है, तो बग्स बनी में ये हमने वहां पे भी सुना था किक द बकेट, इसका मतलब है टू डाई, दिस इज हाईली इनफॉर्मल, तो ये आपने यूज नहीं करना, ठीक है, टू किक द बकेट, जिसमें वो बग्स बनी कहते थे ही किक द बकेट, ही किक द बकेट, तो वो किक द बकेट इज इनफॉर्मल। तो एक इंस्टेंट और रीकैप, क्विक रीकैप, एक रिवीजन जो कि लैंग्वेजेस में सब में बहुत ज़रूरी होती है, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, फ्रेंच में हो, जिस भी लैंग्वेज में हो, तो चार एक्सप्रेशंस डेथ से रिलेटेड, टू गिव अप द गोस्ट फर्स्ट वन, सेकेंड टू गो टू द वे ऑफ ऑल फ्लैश, फर्स्ट वॉज इनफॉर्मल, सेकेंड इज पार्शली फॉर्मल, तीसरा हमारे पास है पास अवे, और चौथा एक्सप्रेशन हमारे पास टू किक द बकेट। तो टू किक द बकेट आपने नहीं यूज करना, वर्बली लोकली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप रिटन में एक्सप्रेशन में यूज नहीं करेंगे वो। एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन in mobility with me। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में आपके साथ। एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था, स्टूडेंट ने, कि जी कार चलाते हुए, तो कार चलाते हुए आई नेवर इवन लुक एट द कैमरा इवन फॉर अ सिंगल माइक्रो पिको सेकेंड, ठीक है। idiomatic एक्सप्रेशन सारे यहाँ पे है, नज़र हमारी सड़क पे है, सिग्नल्स पे, रोड पे, और बाकी काम कैमरा का है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव, फैक्चुअल, इमेजिनरी एक्सप्रेशंस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।